जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके में जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। जो यूनिवर्सिटीज ऑफर दे भी रही हैं, जैसे वॉल्वरहैम्पटन हो गई, लिंकन यूनिवर्सिटी हो गई या बीपीपी यूनिवर्सिटी हो गई, तो या तो उनका बच्चों का कैस जो है वो डिले हो जाएगा या वो डेफर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट इनटेक में। तो बेहतर है कि आप इस टाइम पे इस चीज़ को जो है वो रिस्क ना लें, आप जनवरी इनटेक के लिए अपना प्रोसेस करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यूके में सितंबर इनटेक से पहले मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम उन यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, यूनिवर्सिटीज कौन सी इनटेक्स ऑफर कर रही हैं जो आपको सितंबर से पहले यूके में लेके जा सकती हैं। और स्पेसिफिकली स्पाउस वीजा के हवाले से बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, तो रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में अभी भी यूके में स्पाउस वीजा अवेलेबल है, के हवाले से आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं तकरीबन आपको 16 ऐसी यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जो आपको आइदर तो फेबररी इनटेक दे रही हैं, आइदर मार्च इनटेक दे रही हैं, कुछ की अप्रैल इनटेक है, मई इनटेक है या जून इनटेक है। सबसे पहले हम कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लंदन में ये वाकया है। ये यूनिवर्सिटी आपको मेन इनटेक ऑफर कर रही है बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स में, ठीक है, 8000 जो है वो इसका इनिशियल डिपॉजिट है इस हवाले से। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है वो फास्ट रिस्पॉन्ड करती है। आइल्स की अगर हम बात करें तो 6 ओवरऑल एक्सेप्ट करती है और पीटी में ये ओवरऑल 59 एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच अगर हम लंदन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी आपको फेब इनटेक भी दे रही है, अप्रैल इनटेक भी दे रही है और कुछ प्रोग्राम्स में ये यूनिवर्सिटी आपको जून इनटेक भी दे रही है, ठीक है। आइल्स और पीटी, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड टेस्ट, ये सारे इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में एक्सेप्टेबल है। इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 3000 है और बिफोर कैश जो है वो आपने 50% अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, जो 17,250 है और उसके डिस्काउंट के बाद ये तकरीबन 14,250 तक रह जाती है। इसके हम बाद में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ रोहम्पटन, ये भी लंदन में वाकया है। ये यूनिवर्सिटी आपको अप्रैल इनटेक दे रही है, ठीक है, यहाँ पे 3 इयर्स का आपका गैप एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी आपको जो है वो आइल्स, पीटी और ऑक्सफोर्ड टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। इस यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट भी ज्यादा है, तकरीबन 8000 है। इसके बाद लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपको मेन इनटेक ऑफर कर रही है, 5 ईयर का गैप एक्सेप्ट करती है और इस यूनिवर्सिटी में आपका इनिशियल डिपॉजिट राउंड अबाउट 7000 है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, ये काफी ज्यादा इसके कैंपसेज हैं पूरे यूके में फैली हुई और काफी ज्यादा इनटेक्स जो है वो ऑफर करती है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, लंदन में है, मैनचेस्टर में है, ग्लासगो में है, ठीक है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी जो भी बर्मिंगम में भी इसका कैंपस है, लीड्स में कैंपस है, तो सारे यूके में बहुत ज्यादा इसके सब कैंपसेज हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी आपको फेब इनटेक भी ऑफर कर रही है, इसके अलावा बाकी भी बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 6000 है और ये 6.5 से कम आइल्स एक्सेप्ट नहीं करती और ये जो है यहाँ पे आपको लैंग्वेज सर्ट की भी ऑप्शन है, टॉफल, आइल्स, पीटी, ये सारे एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद हम बात करें तो बड़ी फेवरेट यूनिवर्सिटी जो लंदन से सिर्फ 20 मिनट पे वाकया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आपको मेन टेक ऑफर कर रही है, 55% आपके मार्क्स हैं तो ये आपको एलिजिबल करती है और ये यूनिवर्सिटी आपको इनिशियल डिपॉजिट जो है वो जस्ट 5000 है, ठीक है। बहुत क्विक जो है वो रिस्पॉन्स है इस यूनिवर्सिटी का। चेस्टर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसके बाद ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी आपको एडमिशन दे देती है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में आपको मेन टेक मिल जाएगा। जीसीयू यूनिवर्सिटी में आपको फेब इनटेक मिल जाएगा, साउथ वेल्स में, सॉरी लंदन में भी कैंपस है और ग्लासगो में भी। इसके बाद हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स की, ये यूनिवर्सिटी आपको फेब इनटेक ऑफर कर रही है और अप्रैल इनटेक ऑफर कर रही है, 5 ईयर्स तक गैप एक्सेप्ट करती है और इस यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो जस्ट 5500 है, ठीक है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन है, ये आपको मार्च इनटेक भी दे रही है और मे इनटेक भी दे रही है और कुछ प्रोग्राम्स में जून इनटेक भी अवेलेबल है। बीपीपी यूनिवर्सिटी की बात करें, ये भी मे इनटेक दे रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, ये भी आपको ऑफर कर रही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड है, ये मे इनटेक आपको ऑफर कर रही है। नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी है, ये मे इनटेक ऑफर कर रही है, अप्रैल इनटेक अभी आपको जो है वो ऑफर कर रही है, जस्ट 20 मिनट्स अवे है फ्रॉम लंदन। बुकिंगम शायद न्यू यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको फेब इनटेक भी मिलेगी, यहाँ पे अप्रैल इनटेक भी मिलेगी। इसके अलावा अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, ये आपको मे इनटेक ऑफर कर रही है। तो ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज आपको बताई जो जनवरी की भाग दौड़ करने की बजाय कि मैं जनवरी में पहुंच सकता हूँ या नहीं, बजाय इसके आप बेटर है कि आप फेब इनटेक को जो है वो टच करें। फेब इनटेक नहीं मिलती तो मार्च इनटेक को टच करें, मार्च इनटेक नहीं मिलती तो मे इनटेक आपको मिल जाएगी, अप्रैल इनटेक भी मिल जाएगी। तो यूके में ये काफी सारी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऐसी कोई क्यामत नहीं आ जाएगी कि अगर आप जनवरी में नहीं पहुंचे, ऑलरेडी आप जो है वो एक साल जब आप सितंबर में नहीं पहुंच सके तो फिर आप जनवरी इनटेक में भी लेट करते करते। जो बच्चे भी जिस इनटेक के लिए इंटरेस्टेड है,
कम अज कम 3 मंथ्स बिफोर जो है उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जानी चाहिए, फिर वो है वो यूके के इनटेक को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं।